Hi guys, my name is Chef Neha and I welcome you all to Cookpad's Masterclass series. जैसे कि आप सब जानते हैं, जो हमारी Masterclass series है, इसका नाम है No Oven Baking. हम already 3 recipes बना चुके हैं. आज की जो हमारी recipe है, ये हमारी last recipe है. I'm so happy कि आप में से इतने सारे लोगों ने हमारी जो 3 recipes है, वो बनाई है. And इसीलिए I am going to be giving you a bonus recipe today. तो जो हमारी आज की रेसिपी है, ये है माय फेवरेट कुकीज. हम 2 डिफरेंट टाइप की कुकीज बनाने वाले हैं. जो हमारी पहली कुकी है, ये एक हार्ट शेप्ड कुकी है. कोई ऑर्डिनरी हार्ट शेप नहीं है, इट्स वेरी वेरी स्पेशल. जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी यूनिक है. और जो हमारी सेकेंड रेसिपी है, ये न्यूटेला सेंटर्ड कुकीज, यानी कि न्यूटेला को स्टफ करके हम कुकीज बनाएंगे. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लावा फ्लोइंग आउट. आई होप कि आप ये सारी रेसिपीज बनाएंगे और आप में से जो भी कोई ये सारी की सारी रेसिपीज बनाएंगे, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट विच इज साइंड बाय मी एंड ऑल्सो कुकपैड. इसी के साथ जो सबसे बेस्ट रीमेक्स होंगे, उन्हें एक ट्रॉफी भी मिलेगी. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रेसिपी से. सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट दैट वी नीड इज बटर. तो दिस आई एम एडिंग आइसिंग शुगर. अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है, यू कैन ऑल्सो यूज पाउडर्ड शुगर. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ बेकिंग इज दैट यू नीड टू मेजर योर इंग्रीडियंट्स वेरी वेरी वेल. सो यहाँ पे इफ यू आर नॉट यूजिंग मेजरिंग कप्स, प्लीज यूज अ वेइंग स्केल. सो आइदर मेजरिंग बाय वेइंग स्केल और मेजरिंग बाय मेजरिंग कप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर फ्लेवरिंग आई एम एडिंग सम वेनिला एसेंस. अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है, यू कैन ऑल्सो एड इलायची पाउडर. टू दिस आई एम एडिंग सम मैदा. जो मैदा है, हमें पार्ट्स में डालना है. डोंट पुट ऑल द मैदा एट वंस. व्हेनेवर यू आर मेकिंग एनी कुकी या फिर बिस्किट्स, नेवर ओवर मिक्स द डो. यानी कि हल्का हल्का मिक्स करना है. वी जस्ट वॉन्ट टू मेक अ क्रम्बली टेक्स्चर्ड डो एट दिस पॉइंट. अगर आप ओवर मिक्स करेंगे तो कुकीज जो है वो बहुत ही टफ और चुई बनेगी. इसलिए जस्ट मिक्स इट जेंटली. जो हमारा डो है, इट लुक्स स्लाइटली क्रम्बली एंड इट इज परफेक्ट. इसे जेंटली थोड़ा थोड़ा नीड करना है, सो दैट द डो स्टार्ट्स कमिंग टुगेदर. एंड यू नीड टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. वन पार्ट विल बी मोर देन द सेकेंड पार्ट. सो हियर आई एम जस्ट डिवाइडिंग द डो. अब क्योंकि हमारी कुकीज 2 कलर की है, वन डो विल बी व्हाइट इन कलर एंड द अदर डो विल बी रेड इन कलर. जो स्मॉलर पोर्शन है, इसमें आई एम जस्ट एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क. सो व्हाइल नीडिंग द डो, आई फॉरगॉट टू ऐड बेकिंग पाउडर टू द मैदा. बट एक्चुअली द बेकिंग पाउडर नीड्स टू बी एडेड ड्यूरिंग द स्टेज एट विच वी आर एडिंग द फ्लावर इन टू द मिक्सचर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड माई बेकिंग पाउडर नाउ. आई एम एडिंग बेकिंग पाउडर टू बोथ द पार्ट्स. Whenever you're adding baking powder, just mix it with the maida. So now the dough looks smooth. I'm going to set it aside. To this other part, I'm going to be adding some red food coloring. Start mixing the dough to make sure that the color is uniform. After mixing the color, you will have to add a little bit of milk to make a nice smooth dough. जस्ट याद रखें कि जो मिल्क है वो पार्ट्स में डालना है, सारा मिल्क एक साथ नहीं डालना है हमें. नाउ द डो इज स्टार्टिंग टू लुक परफेक्ट. आई एम एडिंग अ लिटिल मोर मिल्क टू स्मूदन इट आउट एंड इट्स परफेक्ट. एट दिस स्टेज आई एम गोइंग टू स्टार्ट रोलिंग द डो. सो आई एम यूजिंग अ पार्चमेंट पेपर. आप क्लिंग रैप भी यूज कर सकते हैं. आई एम फ्लैटनिंग द डो. करीबन 1/2 सेंटीमीटर की थिकनेस का मैं रोल कर रही हूं. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग अ हार्ट कटर एंड कटिंग आउट लॉट्स ऑफ हार्ट्स. Thank you.
remove all the excess dough. You can roll it again and just make red cookies. Now, I'm brushing this first layer with a little bit of water. इसके ऊपर मैं रख रही हूँ अपना second heart and then थोड़ा सा और पानी. Between every layer, ensure करना है कि थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल रहे हैं so that all these dough pieces stick together. हमें इस log को for about 20 to 30 minutes freezer में रखना है. We have to make sure ये solidify हो जाए. थोड़ा सा हल्का हल्का press करेंगे and now I'm freezing it. So 30 minutes हो गए हैं और ये जो dough है it's nicely frozen. अच्छे से सेट हो गया है. एट दिस स्टेज जो हमारा व्हाइट कलर का डो है वो हम इस पे लगाएंगे. इट्स नाइस एंड टफ. सो ये जो व्हाइट डो है इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर रही हूँ एंड सबसे पहले जो हार्ट का ऊपर का पोर्शन है उस पे थोड़ा सा डो लगाएंगे एंड देन जो बाकी के एजेस हैं उस पे भी हम डो लगाते जाएंगे. जस्ट इंश्योर करें कि जो डो है वो हम यूनिफॉर्म तरीके से लगा रहे हैं सो दैट जो पूरी लेयर है आपको एक परफेक्ट सर्कल मिले. एक बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर ले लें और उस पर रोल करें ताकि जो एजेस हैं वो एकदम स्मूथ हो जाए. आप एक क्लिंग रैप भी ले सकते हैं और इसे रैप करके यू कैन स्टार्ट रोलिंग इट अ बिट. सो ये हो गया है तैयार. जहाँ पे भी क्रैक्स है उसे थोड़ा थोड़ा सील कर लीजिए. कुकी के एजेस पे अगर कहीं पे भी क्रैक है तो उसे सील कर लीजिए ताकि जो कुकी है उसका शेप एकदम परफेक्ट रहे. वी नीड टू रेफ्रिजरेट दिस अगेन फॉर अबाउट 30 मिनट्स. आफ्टर 30 मिनट्स अब हम इसे स्लाइस करेंगे. आई एम गोइंग टू बी स्लाइसिंग इट टू अबाउट 1/2 centimeter थिकनेस. सो हियर यू सी कितना सुंदर लग रहा है. एक बटर पेपर के ऊपर मैं करूंगी. Isn't it looking so pretty? So, जैसे मैंने हार्ट बनाया है आप अलग अलग शेप्स भी बना सकते हैं. So, these are looking absolutely perfect. इसमें फूड कलर यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि बेकिंग के टाइम पे अदरवाइज़ जो बीटरूट होता है या फिर कोई नेचुरल रेड कलर होता है पूरा के पूरी तरीके से उड़ जाएगा. इसलिए यहाँ पे आई हैव अ प्लेट जिस पे मैंने एक पार्चमेंट पेपर लगाया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी कुकिंग दिस इन अ प्री हीटेड कढ़ाई. सो कढ़ाई के बेस पे मैंने यहाँ पे नमक डाला है. इस पे एक स्टैंड रख रही हूँ और इसे प्री हीट करना है 7 से 8 मिनट तक. 7 से 8 मिनट के बाद जो हमारी कुकी की प्लेट है हम इस पे रखेंगे एंड इसे बिल्कुल धीमी आंच पे 20 मिनट्स तक पकाएंगे. हमें इसे तब तक पकाना है जब तक जो इसके एजेस है वो हल्के हल्के गोल्डन ना हो जाए. आप देख रहे हैं जो एजेस है उस पे कलर आया है. टॉप पे ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए. यू कैन रिमूव इट फ्रॉम द कढ़ाई. वैसे यू कैन ऑल्सो बेक दीज इन द OTG और द माइक्रोवेव एट 180 degrees Celsius फॉर अबाउट 15 मिनट्स. अब देख रहे हैं दैट इवन एट द बॉटम आई हैव अ नाइस यूनिफॉर्म कलर. यू हैव टू ब्रिंग दिस टू रूम टेम्परेचर. जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आएगी दे विल हार्डन अप एंड लुक परफेक्ट. जस्ट लुक के दिखने में कितनी खूबसूरत है. आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं अप टू 1 month. सो गाइस ये जो मेरी पहली वेनिला हार्ट कुकीज है ये हो गई है तैयार. डजंट इट लुक वेरी वेरी प्रिटी. तो चलिए ऐसे ही एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कुकी बनाते हैं. जो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है वो है न्यूटेला स्टफ्ड कुकीज. शुरुआत करते हैं उसकी. सो जो हमारी न्यूटेला स्टफ्ड कुकीज़ है इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है बटर. बटर सॉफ्टन्ड बटर है यानी कि रूम टेम्परेचर पे है. इसमें मैं शुगर डाल रही हूँ. ये कॉम्बिनेशन है ब्राउन शुगर एंड कैस्टर शुगर का. अगर आप पाउडर्ड शुगर यूज़ कर रहे हैं तो पहले मेजर करिए एंड देन पाउडर करिए. इसमें मैं डाल रही हूँ वेनिला एसेंस. इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है सो दैट द बटर एंड शुगर कम्बाइन वेल. टू दिस आई एम एडिंग सम मिल्क. ये जो मिल्क है ये रूम टेम्परेचर पे है. इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम.
अगर आप चाहें तो आप एक विस्क या फिर जो बीटर होता है बीटर का यूज कर सकते हैं. आई जस्ट लाइक टू यूज अ स्पैचुला. नेक्स्ट, एक दूसरे बोल में आई एम एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ मैदा. टू दिस आई एम एडिंग बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर. इसे छान लेंगे एक साथ. जस्ट रिमेंबर ड्यूरिंग बेकिंग मेजरमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज फॉलो द एग्जैक्ट मेजरमेंट. सो ये जो हमारा फ्लावर का मिक्सचर है, हमें इसे डालना है हमारे शुगर और बटर के मिक्सचर में. तो उससे पहले जो बटर शुगर है इसे अच्छे से मिक्स करके बीट कर लेंगे सो दैट द मिल्क गेट्स इनकॉर्पोरेटेड वेल. टू दिस आई एम एडिंग मैदा. अगेन जो हमारा मैदा है उसे हम पार्ट्स में डालेंगे, एक साथ पूरा का पूरा मैदा नहीं डालेंगे. यू हैव टू मिक्स इट सो दैट पूरा एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाए. अच्छे से करना है ये. सो ये अच्छे से मिक्स हो गया है. मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स. अगर आप चाहें यू कैन इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट चिप्स. अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स नहीं है यू कैन यूज चॉप्ड चॉकलेट. यू नीड टू रेफ्रिजरेट दिस फॉर 30 मिनट्स. जब तक वो रेफ्रिजरेट हो रहा है जो हमारा न्यूटेला है उसको स्कूप करके हम फ्रीज कर लेंगे. तो मैं तो सिर्फ हाफ टी स्पून डाल रही हूँ लेकिन यू कैन पुट अप टू 1 teaspoon इन एवरी कुकी. इसे मिनिमम 30 मिनट्स तक हमें फ्रीज करना है. जब ये फ्रोजन होगा तभी जाके अच्छी न्यूटेला स्टफ्ड कुकीज बनेगी. सो जो हमारा डो है ये हो गया है तैयार. इट इज़ नाइस एंड स्कूपेबल. जो मेरा न्यूटेला है वो भी इट्स नाइसली फ्रोजन. कुकी को थोड़ा फ्लैटन करेंगे, न्यूटेला का एक पीस हम सेंटर में रखेंगे एंड वील मेक अ नाइस बॉल. हल्का सा फ्लैटन करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लैटन नहीं करना है. We will just repeat the procedure. Flat करेंगे हमारी cookie को. We'll put a piece of Nutella in the center and roll it out. Flatten it a little bit and keep it aside. अगर आप ये dough को instantly use नहीं करना चाहते हैं, you can keep it in the refrigerator up to 2 days. अगैन आई हैव अ प्लेट हेयर जिस पर मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया है. आई एम जस्ट प्लेसिंग 3 cookies बिकॉज ये कुकीज स्प्रेड होंगी, दे विल नीड सम स्पेस. आई एम टॉपिंग इट अप विद सम चॉको चिप्स. जैसे हमने हमारी प्रीवियस कुकी को कुक किया बिल्कुल उसी तरह हेयर आई हैव अ प्री हीटेड कढ़ाई. आई एम गोइंग टू कुक दिस ऑन लो फ्लेम फॉर अबाउट 18 to 20 minutes. Just remember, cookies को overcook नहीं करना है. If you're going to overcook the cookies, then you will not get a nice liquid center. So here it is, the cookies are ready. जैसे कि मैंने आपको कहा cookies spread होंगी and they look beautiful. इसे ठंडा करना है एक वायर रैक पे. इससे जो हमारी cookies है वो overcook नहीं होंगी even from the bottom. So हमारी Nutella stuffed cookies हो गई है बिल्कुल तैयार. मैं एक पीस को कट करके आपको दिखाऊंगी. It is so delicious. So here it is, मेरी वेनिला हार्ट कुकीज हो गई है तैयार. एंड साथ ही साथ ये जो न्यूटेला स्टफ्ड कुकीज है ये भी तैयार है. दे आर एब्सोल्यूटली अमेजिंग. अगर आप इसमें न्यूटेला स्टफ नहीं करना चाहते हैं यू कैन ऑलवेज मेक सिर्फ चॉकलेट चिप कुकीज. दे आर सुपर डिलिशियस. सो आई कांट वेट टू इंडल्ज इन टू दिस. आई एम श्योर आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे इसे बनाने के लिए. So what are you guys waiting for? जाइए इसे बनाइए और मुझे बताना ना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपीज कैसी लगी. I'll meet you guys very very soon with something more interesting. Till then, Cookpad पे अपनी रेसिपीज शेयर करते रहें, लोगों के साथ बांटते रहें and stay happy and safe.